Hello to everyone. I welcome you all on this platform, and today we are going to cover 4th week of August ke important current affairs Punjab specific. So let's begin with this session. देखिए जो पहला हमारा current affair है that is related to Amritsar. So ये आपके prelims perspective से important है कि कौन सी ऐसी city है North India की जिसके पास visitor info system जो है अभी incorporate किया गया है, implement किया गया है, right? अब अमृतसर हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन द नॉर्दर्न रीजन टू इंप्लीमेंट CVIRMS. CVIRMS का मतलब है सिटी विजिटर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, जहां पे फटाफट पुलिस को पता चल जाएगा अगर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, कोई विजिटर है जो विद इन दैट रीजन आ रहा है, मतलब अमृतसर के अंदर आ रहा है, तो एक प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है व्हीकल्स की भी हो सकती है और विजिटर की भी हो सकती है. चलो अब ये जो सिस्टम है ये ऑपरेशनल है, अभी भी ऑपरेशनल है बहुत सारी साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर, और पहली बार नॉर्थ इंडिया के अंदर अमृतसर जो है वहां पे ये सिटी, ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है. ठीक है, सो इसमें होगा क्या, इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में इन सारे एस्टैब्लिशमेंट्स को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, राइट? अब ये कौन कौन सी एस्टैब्लिशमेंट है, जैसे जितने भी होटल्स हैं, टवर्न्स हैं, पेइंग गेस्ट हाउसेस हैं, आर्म्स डीलर्स हैं, डीलर सेलिंग यूज्ड व्हीकल, जो सेकंड हैंड व्हीकल्स बेचते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ओनर्स हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स के, जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर दिस एप्लीकेशन. अब एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे इनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा. अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी विजिटर है, वो चेक इन करेगा, ठीक है, या वहाँ उस होटल में रहेगा, पीजी में रहेगा, या कोई भी व्यक्ति जो है वो आम या एम्यूनेशन जो है खरीदेगा आम डीलर से, क्योंकि यहाँ पे आम डीलर भी है, या कोई बाय या सेल करेगा ओल्ड व्हीकल, या एम्प्लॉयड इन द सिक्योरिटी एजेंसी होगा, या स्मॉल इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस होगा, सो उसको जो है वहाँ पे जाके उस एस्टैब्लिशमेंट में जाके अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा. अब वो आईडी प्रूफ कौन सा होगा, या तो वो आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइवर्स लाइसेंस हो सकता है, या वोटर कार्ड हो सकता है. सो उसको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा और उस सिस्टम के अंदर अपलोड करना पड़ेगा. कौन सा सिस्टम, यही वाला सिस्टम के अंदर उसको अपलोड करना पड़ेगा. अब जैसे ही कोई क्रिमिनल है वो चेक इन करेगा, इस पूरी प्रोसेस के दौरान क्रिमिनल कोई चेक इन करेगा तो एक ऑटोमेटिक अलर्ट जो है चेक इन करेगा और अपनी आईडी जो है वो दिखाएगा या वहाँ पे अपलोड करेगा सिस्टम में, तो एक ऑटोमेटिक अलर्ट जो है वो पुलिस के पास चले जाएगा, करेक्ट? एंड उसके बाद क्या होगा, तो पुलिस ऑफिसर जो कंसर्न्ड एरिया का है वो सीधा सीधा रियल टाइम इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी, और वो बहुत ही एक्सक्लूसिव तरीके से उसको कवर कर सकते हैं उस एरिया में, मतलब वो जो क्रिमिनल की एक्टिविटीज़ है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. ठीक है, सो ये सिस्टम जो है साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया गया, और नॉर्थ इंडिया में इसको यूज़ किया जा रहा है अमृतसर के अंदर. सो इट इज़ अ गुड वे टू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल्स. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था एस्पेक्ट. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट पंजाब इज, अच्छा ये न्यूज़ जो है ये कहती है कि पंजाब कंटिन्यूज टू बी सेकेंड इन द कंट्री रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस NDPS एक्ट 2020, राइट? सो ये ऐसी न्यूज़ है जो देखने को मिलता है कि अभी तक भी इम्प्रूवमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं. इवन दो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल हमने 40% जो है 40% रिडक्शन इन द नंबर्स जो है, ये जो केसेस की रजिस्ट्रेशन है इसमें 40% डिक्लाइन हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, बट फिर भी पंजाब जो है कंटिन्यूज टू बी सेकेंड. तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है यूपी, उत्तर प्रदेश जो है उसको जो है फर्स्ट रैंक मिला है इस रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस के अंदर. अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, बिकॉज अभी भी पंजाब जो है इट इज़ अ मेजर ट्रांजिट पॉइंट फॉर ड्रग्स. मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों पंजाब जो है अभी भी इस तरीके से इफेक्टेड रहता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर्स. पाकिस्तान मेजर रीजन है जहाँ पे ओपियम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और ट्रांजिट जो पॉइंट है ड्रग्स का, पंजाब कैटेगरी, उसकी कैटेगरी पंजाब की आती है, इसीलिए ये एक रीज़न हो सकता है. एंड इसके अलावा हम लोग बात करते हैं स्पेशल केस, सेवरल केसेज आर ऑफन रिपोर्टेड where drugs from the Afghanistan, Pakistan, Jammu, Kashmir, Himachal,
राजस्थान, यहाँ से पूरा फ्लो होते होते पंजाब में अल्टीमेटली पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट अभी हरियाणा में इतना सब ड्रग का इतना इशू नहीं है, इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। हिमाचल जो है वो अब इस पूरे के पूरे कैटेगरी के अंदर हिमाचल भी बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ है, ये चीज़ हमने देख ली। उत्तर प्रदेश जो है टॉप्स द कंट्री विद दिस मच ऑफ केसेस अंडर द NDPS एक्ट, ठीक है। तो आपके सोशल इश्यूज़ के अंदर ये कवर हो सकता है, सोशल इश्यूज़ के अंदर ये आपने ज़रूर इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो बाय जस्टिफाइंग योर स्टेटमेंट कि हाँ, इफ़ यू सेइंग दैट पंजाब इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम दी ड्रग एब्यूजेस, है ना, ये सारी ड्रग ट्रैफिकिंग से, तो गिव द जस्टिफिकेशन, गिव दिस डेटा बाय बिफोर आफ्टर योर मेन पॉइंट, ठीक है। अब 16 पोजीशन है पॉपुलेशन वाइज। देखो, ऐसा सवाल तो नहीं पूछा जाता कि पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब का कितना रैंक है, लेकिन कई बार दिमाग ख़राब ही हो जाता है तो पूछे जा सकते हैं। अभी HAS होके हटा है तो आपने देखा होगा कितना ज़्यादा पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका। वन लाइनर क्वेश्चंस थे बट दोज वर आल्सो वेरी फैक्चुअल, है ना। तो ऐसा कभी कभी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में कि 16 पोजीशन जो है वो पंजाब की है पॉपुलेशन के हिसाब से, और जो है पंजाब जो है ड्रग प्रॉब्लम से अभी भी जूझ रहा है। दिस इज डेटा, राइट। अब इलिसिट ड्रग ट्रेड की बात करें, सो इलिसिट ड्रग ट्रेड में अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट दैट यू कैन यूज इट वेरी वेल कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन द ड्रग्स एंड क्राइम्स, ठीक है, इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है इज़ वन ऑफ द मेजर हब ऑफ इलिसिट ड्रग ट्रेड, और इसमें जो कैटेगरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये ड्रग ट्रेड सिर्फ नॉर्दर्न रीजन से नहीं है कि हाँ अपना पाकिस्तान लगता हुआ रीजन है और ईस्टर्न साइड में गोल्डन क्रीसेंट है, गोल्डन ट्राइंगल है, उसकी वजह से ड्रग वहीं से आ रहा है। एक्चुअली में ड्रग जो है हमारा कोस्टल रीजन से भी शिपिंग के थ्रू भी आता है, और ये भी बहुत क्लियर कट चीज़ें हैं कि ड्रग तीनों तरफ से रीच होता है इंडिया में, ठीक है। अब इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर हब ऑफ इलिसिट ड्रग ट्रेड रेंजिंग फ्रॉम द कैनबीज, एज ओल्ड कैनबीज टू अ न्यूअर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लाइक ट्रामाडोल और डिजाइनर ड्रग्स, आपको पता है मेथमफेटामाइन, ये याद रख लीजिएगा। अब ड्रग ट्रैफिकिंग रूट जो है, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, ये हमेशा आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है जब भी ड्रग्स की बात आती है और पंजाब की बात आती है, राइट। अब देखिए, जो गोल्डन ट्रायंगल है वो कौन सा रीजन है, इट रिप्रेजेंट अ रीजन जो रूलर माउंटेन्स ऑफ म्यांमार MLT, दैट इज म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। तो ये तीन रीजन है जहाँ ये गोल्डन ट्रायंगल है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओपीएम प्रोडक्शन, खूब सारी मेन ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन है ये, साउथ ईस्ट एशिया का मेन ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन है। और यही रीजन जो है हमारे इस वाले एरियाज में, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारे, सेवन सिस्टर्स हैं, है ना, तो ये वाले रीजन में ये ड्रग ट्रैफिकिंग इसी तरीके से होती है बिकॉज ये रीजन काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है। उसके बाद अगर गोल्डन क्रीसेंट की बात करें तो गोल्डन क्रीसेंट में क्या है, इट इज़ अ प्रिंसिपल ग्लोबल साइट फॉर ओपीएम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास आता है अफगानिस्तान, आपके पास आता है अफगानिस्तान, आप ये वाला अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड दिस इज ईरान, ठीक है। सो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान वाला एरिया है जिसको हम लोग गोल्डन क्रीसेंट कहते हैं। ये पूछा भी गया था कि गोल्डन क्रीसेंट में कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको याद रखेंगे। गोल्डन ट्राइंगल की बात करें तो MLT आ गया, ठीक है, मेजरली MLT है जो गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। गोल्डन क्रीसेंट की बात करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान, ठीक है। सो ये आप ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि ये जो ओपीएम प्रोडक्शन है इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा होता है। ये पाकिस्तान में जो सिंध है वहाँ से ओपीएम प्रोडक्शन होता था, ठीक है, और वहाँ से ओपीएम प्रोड्यूस करके ब्रिटिशर्स और बहुत सारे जो मिडल मैंस होते थे वो लेकर, मतलब मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अपनी NCERT की पॉइंट है कि ब्रिटिशर्स यहीं से सिंध वाले एरिया से ओपीएम प्रोड्यूस करके लेकर आते थे और जो अपना बॉम्बे पोर्ट है वहाँ तक पहुँचाते थे। बीच में मिडल मैंस भी होते थे, गुजरातीज होते थे और पारसीज होते थे, और वो अपने मुंबई पोर्ट तक पहुँचाते थे और मुंबई पोर्ट से फिर वो चाइना भेजते थे। तो ये इस तरीके से होता था, चाइना से वो टी लेते थे और
ये जो ओपीएम है उनको दे देते थे, तो इस तरीके से उनका सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो उस टाइम से ही ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्विस टू ह्यूमैनिटी अवार्ड। सर्विस टू ह्यूमैनिटी अवार्ड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर एमसीक्यू बेस्ड जो सवाल हो सकते हैं वहाँ से ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, सर्विस टू ह्यूमैनिटी अवार्ड एक रिक्शा पुलर है अमृतसर के, उनको मिला है, उनका नाम है राजवीर सिंह। राजवीर सिंह को मिला है ये पर्टिकुलर अवार्ड, जिसको कहते हैं हम लोग भगत पूरन सिंह अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये पर्टिकुलर अवार्ड है। अब कुमार सौरभ राज जो है, इनको फॉर्मल ये डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं फरीदकोट के, इनको अवार्ड फॉर ऑनेस्टी मिला है। तो ये दो अवार्ड मिले हैं, आप इतना याद रखेंगे। राजवीर सिंह जो है वो बेसिकली उन्होंने एक किताब लिखी है, ये किताब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, और यू नो जब भी एग्जामिनर एग्जाम सेट करेगा तो ये सब इंफॉर्मेशन उसको लगेगी, तो वो डेफिनेटली इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है कि रिक्शा तेज चले जिंदगी, रिक्शा तेज चले जिंदगी। तो दैट मीन्स इन्होंने क्या किया है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि ये रिक्शा पुलर है ना, तो जिंदगी भर इन्होंने रिक्शा चलाया, तो उसमें इन्होंने अलग अलग लोगों से बातचीत की, अलग अलग लोग इनको मिलते रहे, और वही जो है इस पर्टिकुलर बुक के अंदर इन्होंने वही जो अपने कम्युनिकेशन है, अपनी जो स्टोरी है, माइंडसेट है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के साथ जो बातचीत हुई है, उसके बारे में 14 डिफरेंट स्टोरीज जो हैं इस किताब के अंदर लिखी हुई है। मिक्स ऑफ इंस्पिरेशन, पेनफुल, ये सारी चीज़ें मिक्स आपको रिस्पॉन्स मिलता है इन स्टोरीज के थ्रू, ठीक है। सो ये जो अवार्ड था, कौन सा अवार्ड, ये वाला अवार्ड अमृतसर सर्विस टू ह्यूमैनिटी अवार्ड 2020 इसको सेटअप किया गया था, और ईच अवार्ड कैरीज 1 लाख रुपीज एंड अ साइटेशन। तो थोड़ा याद रखिएगा इसको, ये अवार्ड जो है इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ स्टेट लॉकअप्स के ऊपर जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट हरियाणा के ऊपर भी थी, पंजाब के ऊपर भी है। पंजाब में स्पेसिफिकली स्टेट लॉकअप्स की बात करें तो पंजाब पुलिस लॉकअप्स आर द मोस्ट वल्नरेबल, पंजाब पुलिस जो लॉकअप्स हैं ये मोस्ट वल्नरेबल हैं कंट्री के, विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्यूज जो हैं भाग जाते हैं यहाँ से, याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो 2020 की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये कहता है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो हर स्टेट के क्राइम से रिलेटेड जो डेटा है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कलेक्ट करती है, और फिर धीरे धीरे अपने जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उनको दिखा देती है, उनको रिपोर्ट दे देती है, राइट, हर साल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पंजाब नंबर वन है इन बुकिंग कॉप्स फॉर नेग्लिजेंस लीडिंग टू एस्केप, ठीक है, और 31 एक्यूज ब्रोक फ्री फ्रॉम द पुलिस लॉकअप इन पंजाब, फॉलोड बाय गुजरात एंड देन मध्य प्रदेश। तो थोड़ा सा याद इसको ज़रूर रखिएगा कि ये रिपोर्ट अबाउट आर लॉकअप्स के ऊपर, ये इश्यूज चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, इनफैक्ट जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कई बार वर्डिक्ट दी है, कई बार स्टेटमेंट्स दी है ऑन द सिचुएशन ऑफ जेल्स। ये एस्पेक्ट तो है ही है कि भाग जाते हैं कैदी, बट एक एस्पेक्ट और भी है कि जो जेल्स का जो सिचुएशन है, वहाँ के जो सर्कमस्टांसेस है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना बिल्डअप है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाता है, ह्यूमन राइट वायलेशन होता है जेल्स के अंदर, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जो कैदी हैं, जो नॉर्मल कैदी भी होते हैं, वो भी बहुत कट्टर कैदी बनने के चांसेस उसके हो जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन सर्कमस्टांसेस भी वैसे हैं जेल के अंदर। तो ऐसा जो है ह्यूमन राइट काउंसिल ने भी किया था, और सॉरी नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल जो हो गई, और सुप्रीम कोर्ट की ये सारी स्टेटमेंट है द कंडीशंस ऑफ जेल्स, है ना, इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट इज एक और चीज़ है, दैट इज़ बुक ऑन सिख यूथ ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च। अच्छा, ये किताब है, ये किताब आप याद रखेंगे कि राजनाथ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बुक जो है रिलीज़ की है, इसका नाम है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, जिसको ऑथर किया है प्रबलीन, डॉक्टर प्रबलीन सिंह। ये बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के। सो इस बुक में क्या दिखाया जा रहा है ये आप याद रख सकते हैं कि शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया जो प्रबलीन ने, प्रबलीन जी ने ऑथर की है,
तो इस बुक में बेसिकली आपको 400वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है हमारे गुरु तेग बहादुर जी, 9th गुरु ऑफ सिख हैं, उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, राइट, तो इस किताब के अंदर। और इसमें काफ़ी सारी जो है सक्सेस स्टोरीज हैं सिख यूथ की, इंस्पिरेशनल हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, जो इस किताब के अंदर पूरा इसको इकट्ठा करके रखा हुआ है, ठीक है। सो गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। कई बार ये हिस्ट्री के सवाल के अंदर पूछ लिया जाता है कि इन्होंने बेसिकली स्वॉर्ड, यूज ऑफ स्वॉर्ड, आर्चरी, हॉर्समैनशिप एंड ओल्ड क्लासिक्स के अंदर ही वॉज एक्सपर्ट। साथ ही साथ इन्होंने मुगल्स के साथ बैटल फील्ड में पूरा 14 साल की उम्र से ही शोड हिज एक्सट्रीम वेलार इन द बैटल फील्ड अगेंस्ट द मुगल्स। साथ ही साथ इन्होंने मेडिटेशन किया था, कौन सी जगह है ये, बकाला, तो आप थोड़ा याद रखिएगा, बकाला में इन्होंने मेडिटेशन किया था 26 साल 9 महीने 13 दिन के लिए। साथ ही साथ इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जो है उसमें अपना कॉम्पोजिशन किया था, उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। और इसके अलावा इन्होंने ही डिफेंडेड अगेंस्ट द फोर्स्ड कन्वर्शन जो कश्मीरी पंडित्स का किया जा रहा था टू इस्लाम, उसको भी इनको रोक के रखा था, मतलब रिस्ट्रिक्ट किया था। उसके अलावा ही अपोज्ड अगेंस्ट द मुगल रूलर्स फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ हिंदूज एंड सिक्स टू इस्लाम इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ही वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ आनंदपुर साहब, आनंदपुर साहब के फाउंडर रह चुके हैं ये। ही वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ पटियाला, करेंटली द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब। एंड इसके अलावा ही अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड बॉडी गार्ड सराउंडेड हिम ऑल वाइल आफ्टर हिज गुरुशिप। द रीजन वॉज एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन सिंह एंड द 5th गुरु जो है बाय मुगल एम्परर जहांगीर। तो अर्जन सिंह जो गुरु थे हमारे, तो ही द 5th गुरु, उन्होंने उनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया था मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा। इसीलिए एक ग्रुप ऑफ आर्म्ड बॉडीगार्ड जो है इनको हमेशा सराउंड में रखते थे। तो इस तरीके से था ये सारी चीज़ें, क्लियर। सो ही वॉज पब्लिकली बीहेडेड इन 1675 इन दिल्ली। और उसी जगह पे गुरुद्वारा भी है, आपको पता है गुरुद्वारा शीशगंज जो गुरुद्वारा है, बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पे उसी जगह पे इस तरीके से 1675 में बिहेड किया गया था, औरंगजेब के ऑर्डर पे किया गया था, फॉर डिफेंडिंग हिंदूज एंड सिख अगेंस्ट फोर्स कन्वर्जन टू इस्लाम। जो अभी हमने पढ़ा कि इन्होंने डिफेंड किया था कि नहीं होना चाहिए ये फोर्स कन्वर्जन, तो उसी वजह से औरंगजेब ने वो ऑर्डर दिया कि हाँ इन्होंने डिफेंड क्यों किया इस तरीके से, ठीक है। अब गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब इज द साइट वेयर गुरुज बॉडी वॉज क्रीमेटेड। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो डेटा बेस्ड है, तो बिल्कुल आप इनको याद रख सकते हैं एंड मेक श्योर कर सकते हैं कि इस तरीके से देखिए, सिंपल सी चीज़ है। अभी इस न्यूज़ से हमें ये तो पता चल गया कि एक किताब है जो इस पर्सनालिटी ने लिखी हुई है, इस किताब के अंदर किसके बारे में लिखा है, वो जो चीज़ है जैसे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में लिखा हुआ है, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी हैं, तो उनके बारे में पढ़ लिया जाए थोड़ा बहुत हिस्ट्री, तो वो सवाल आने के बहुत चांसेस होते हैं आपके किसी भी एग्जाम से, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो करंट अफेयर से ही उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट जो है हिस्ट्री का पॉइंट निकाल लिया, ज्योग्राफी का निकाल लिया, पॉलिटी का निकाल लिया, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये कवर कर लिया कि इस तरीके से हमारे पास जो है कुछ न्यूज़ थी जो हमने कंप्लीट की है। एंड इसके अलावा वी आर गोइंग टू कवर लिटिल बिट मोर इन दी फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर। फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर के इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं है, बट फिर भी हम लोग प्रिलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से इसको ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।